दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली के साथ कोर्ट का जो लड़ाई चल रहा था वो लड़ाई पहुंच गया है दिल्ली हाई कोर्ट तक। और ये लड़ाई का जो घटना है, ये घटना कुछ ऐसी चीज को दर्शाता है कि एक पिता की हार ना मानने की घटना। दरअसल बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के ऊपर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस को जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होने वाले थे तो उसके ऊपर रोक लगाने से कोर्ट के तरफ से मना कर दिया गया। अब उस आदेश के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत की पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दिया है कि क्यों ऐसा होगा, जब फैमिली की तरफ से यह कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के ऊपर तथा सुशांत सिंह राजपूत की परिवार के ऊपर कोई भी फिल्म नहीं बन सकता और सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी को लेके फिल्म चाहे कुछ भी चाहे बना के पैसा कमाने की जो सिलसिला है ये चीज के ऊपर रोक लगाना चाहिए, तो फिर कोर्ट के तरफ से क्यों इसके खिलाफ राय दिया गया। सुशांत की पिता की ये अपील के बाद कोर्ट के तरफ से निर्माता सहित कई लोगों को नोटिस भी भेजा गया है। सुशांत की पिता ने अपने बेटे की जिंदगी के ऊपर फिल्म बनाकर उनमें से अनुचित व्यावसायिक लाभ उठाने का आरोप लगाया है। पर देखने वाली बात यह है कि ये जो आरोप था ये तो बहुत दिन पहले लगाया गया था, तो फिर कोर्ट के तरफ से क्यों सुशांत सिंह राजपूत की परिवार की जज्बातों का ख्याल ना रखते हुए एक ऑपोजिट राय दे दिया गया था। हालांकि मेकर्स के तरफ से ये कई बार दावा किया गया था कि उनकी मूवी के द्वारा सुशांत सिंह राजपूत की कोई भी ऐसी टॉपिक को छेड़खानी नहीं किया गया है जिससे उनके फैंस तथा उनकी परिवार को कोई हानि पहुंचे। पर इस जगह पे सुशांत सिंह राजपूत की परिवार का मानना यह है कि आज के दिन में जैसे कि उनकी बेटा दुनिया में नहीं है तो उन लोगों की सेफ्टी की ख्याल रखते हुए और परिवार की बहुत सारे गोपनीयता को मेंटेन करते हुए ये आदेश पर रोक लगाना चाहिए। और साथ ही साथ ये बात भी पूछा गया है कि क्यों परिवार के तरफ से कोई इजाजत ना लेके सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी को ऐसे व्यावसायिक लाभ के लिए यूटिलाइज किया जा रहा। और ये पूरी घटना हमें यही दर्शाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली आज के दिन में भी ऐसे कमजोर नहीं है कि कोर्ट के तरफ से कोई एक राय अगर दिया जाएगा तो उस राय को चैलेंज नहीं करेंगे। तो जिसके कारण हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि जो फैमिली यानी सुशांत सिंह राजपूत की ये जो स्ट्रांग फैमिली है, ये स्ट्रांग फैमिली अगर कोर्ट की इस राय को भी चैलेंज कर सकते हैं तो डेफिनेटली अपने बेटे की जस्टिस के लिए वो लोग कितना दूर तक जा सकते हैं ये आप एक बार सोच के देखिएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आप लोगों का क्या कहना है, क्या सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के ऊपर आधारित फिल्म को पब्लिक स्ट्रीमिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे, टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।